सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल NF ज्ञान में। तो दोस्तों, जब भी हम अपने मोबाइल में YouTube पर कोई सॉन्ग प्ले करते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने मोबाइल का स्क्रीन जो है वो बंद कर देंगे, क्योंकि बंद कर देंगे तो हमारा जो बैटरी है वो कम खपत होगी और साथ में इंटरनेट जो भी है तो वो भी कम खपत होगा। तो ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा हो पाता नहीं है। जैसे हम अपने मोबाइल का स्क्रीन बंद करते हैं तो हमारा जो है यूट्यूब का वीडियो जो है वो बंद हो जाता है, यानी सॉन्ग हमारा बंद हो जाता है, नहीं चलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल का स्क्रीन जो है बंद करके भी आप अपने यूट्यूब वीडियो को प्ले कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो बंद रहेगा लेकिन YouTube का वीडियो जो है वो चलता रहेगा, यानी सॉन्ग आपका बजता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ एक मिनट के अंदर ये कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा, सर्च बार में टाइप करना है YouTube.com। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ YouTube.com, इस तरह से आपको टाइप करके सर्च करना है। देखिए, ये सर्च कर दिया, आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में। आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप फाइव का ये जो ऑप्शन इस तरह से रहेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप फाइव का ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टिक लग चुका है डेस्कटॉप फाइव का, तो ये आपको इनेबल कर देना है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब आपको यहाँ पर YouTube में सर्च करना है, कोई भी चीज़ सर्च कर रही है या फिर कोई वीडियो चलाइए, यहाँ पर आपको सर्च करना है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर सॉन्ग, तो चलिए मैं यहाँ पर कोई सॉन्ग को सर्च करता हूँ, यहाँ पर सॉन्ग लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सॉन्ग लिखने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखिए सॉन्ग आ गया, तो मैं कोई फिलहाल सॉन्ग को प्ले करता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ। देखिए, ये जो सॉन्ग है मैं प्ले कर लेता हूँ अपने मोबाइल में, तो फिलहाल ये ऐड आ गया। ऐड को मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये जो ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं इसको, तो देखिए अब यहाँ पर जो है सॉन्ग चल रहा है, ये देखिए ये सॉन्ग है। मैं थोड़ा आगे इसको भगा देता हूँ, ये देखिए ये सॉन्ग चल रहा है, ये सॉन्ग चल रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको बीच वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। अब ये मिनिमाइज का हो गया। अब देखिए, ऊपर से आपको यहाँ पर खींचना है इस तरफ से, ये देखिए यहाँ पर उसका वो नोटिफिकेशन आ गया ऊपर से, ये नोटिफिकेशन आ गया, वो है आपको यहाँ पर प्ले कर देना है। देखिए, अब देखिए ये चल रहा है ऊपर से, देखिए ये प्ले हो रहा है यहाँ पर। फिर चाहे तो आप इसे बंद कर सकते हैं, इस तरफ से ये चल रहा है बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ से फिर चाहे तो आप फिर से प्ले कर सकते हैं यहीं से इसको, देखिए प्ले हो गया आपका जो है इस तरफ से चलेगा। इसके बाद मैं इसको स्क्रीन को बंद कर देता हूँ, देखिए चल रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये देखिए। फिर से मैं स्क्रीन को ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ हमारा चल रहा है। तो जैसे मैं इसको लॉक ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ से अगर मैं फिर से क्लिक कर दूँगा तो वहीं से वीडियो चलना स्टार्ट हो जाए, ये देखिए। अब मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल में जो भी सॉन्ग को या फिर कोई भी वीडियो को चलाना चाहते हैं तो इस तरह से करके आप स्क्रीन को बंद करके आसानी से चला सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।